हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग? जो भी लोग थाईलैंड में मूव होना चाहते हैं या तो लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं, उन लोग के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि थाईलैंड का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, मतलब कि कितने पैसे में हम लोग अपना घर संसार चला सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में वही डिस्कस करते हैं कि आपको इधर कौन कौन से मेन एक्सपेंसेस लगेंगे और कितने लगेंगे। तो इधर का जो सबसे मेन और सबसे बड़ा खर्चा है वो है रूम रेंट। तो रूम रेंट इधर चालू होता है अराउंड 6,000 से लेके 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक जाता है। फिर वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। अगर आप स्टूडियो रूम रहते हैं जिसमें एक बड़ा सा रूम आता है, उसके अंदर ही किचन और वॉशरूम आता है, तो वो आपको अराउंड 6,000 से लेके 10,000 तक मिल जाएगा, जो कि फुल्ली फर्निश्ड होगा। तो मैं जो ये घर में रह रहा हूँ वो 1 BHK है, वो जो कि फुल्ली फर्निश्ड है, और मैं इसका पे कर रहा हूँ 10,000। अगेन, आप कोई भी फुली फर्निश्ड घर देखते हो तो उसका रेंट की प्राइस डिपेंड करती है उसके फर्नीचर और उसके एरिया के हिसाब से। अगर आप बैंकॉक के मेन एरिया जैसे कि सातोन है, सुखुमी थे, ऐसे एरिया में अगर रूम ढूंढते हो तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप थोड़ा सा दूर ढूंढो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अवेलेबल हो, तो आपको रूम रेंट कम लगेगा और आप अपना खर्चा इजीली मैनेज कर पाओगे। दूसरा जो एक्सपेंस है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो हमारा जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो अराउंड 1200 से लेके 1500 बाट तक आता है, जिसमें कि हमारा AC चलता है, TV चलता है, फ्रिज 24 आवर्स चलता है और फैंस चलते हैं। तो अगला जो एक्सपेंस आता है वो है वाटर एक्सपेंस। तो काफ़ी सारी जगहों पे रूम रेंट के अंदर ही वाटर एक्सपेंस इंक्लूड रहता है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा है वो मेरे रूम रेंट के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो मेरा अराउंड 125 बाट से लेके 200 बाट तक वाटर मिलाता है, जो जो कि काफ़ी नॉर्मल है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो है फूड एक्सपेंस। अगर आपको थाई फूड पसंद है और आप थाई फूड खा सकते हैं, जो कि ज़्यादातर नॉनवेज में आता है, तो आपको एक प्लेट का कॉस्ट अराउंड 40 से 60 बाट लगेगा। 40 से 60 बाट में आप कोई भी थाई डिशेस खा सकते हो। और आपको मेरी तरह इंडियन फूड चाहिए तो आप अपने घर पे बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर से रोज़ खाना खाएंगे इंडियन फूड तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो मेरी सलाह आपको यही होगी कि आप बाहर से अपना जो भी सामान है वो लेके आओ और घर पे बनाओ। आप कोई भी लोकल इंडियन ग्रोसरी शॉप से सामान बाय कर सकते हो, या तो फिर आप मैक्रो से सामान बाय कर सकते हो, वहाँ पे इंडियन सामान भी मिलता है। मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, तो आप उधर से देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके अपना इंडियन ग्रोसरी का सामान बाय कर सकते हो। तो अगला जो एक्सपेंस आता है वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो अगर आप यहाँ पे टैक्सी से ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी लोकल टैक्सी ले सकते हैं, या तो फिर आप ग्रैब बुक कर सकते हैं। ग्रैब यहाँ पे वैसे ही है जैसे कि इंडिया में ओला और उबर है। अगर आप इधर टैक्सी से ट्रैवल करते हैं तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। लेट्स से आपको 5 किलोमीटर जाना है तो टैक्सी का किराया अराउंड 80 बाट से लेके 120 बाट तक लग सकता है। अगेन, वो फिर ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, और बैंकॉक का ट्रैफिक तो इधर बहुत ही ख़राब है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप BTS से, या तो कोई गवर्नमेंट बस है, या तो फिर MRTA है, उसे ट्रैवल करें। BTS जो है वो है स्काई ट्रेन, तो आप उससे भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर स्काई ट्रेन अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में तो MRT भी है, जो कि अंडरग्राउंड ट्रेन है, अंडरग्राउंड मेट्रो है, तो आप उससे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसका किराया 16 बाट से लेके 59 बाट तक जाता है। अगेन, वो डिपेंड करता है कि कितना दूर जाना चाहते हो। और अगर आपके एरिया में BTS या तो MRT अवेलेबल नहीं है तो आप गवर्नमेंट बसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको बैंकॉक गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मालूम नहीं है कि कौन सी बस कहाँ तक जाती है, कौन सी BRT और MRT कहाँ से लेके कहाँ तक जाती है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहूँगा जिसका नाम है मूवीट, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ पे आप अपना लोकेशन डाल के आप चेक कर सकते हो कि कौन सी बस कहाँ तक जाती है और कौन सी MRT BRT कहाँ से लेके कहाँ तक जाती है। अगर आप बैंकॉक में लंबे टाइम तक रहने वाले हो तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोई सेकंड हैंड मोटरसाइकिल ले ले, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट रहेगी आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और अगर आप मोटरसाइकिल बाय करना नहीं चाहते तो आप उसको रेंट पे भी ले सकते हो, जिसका रेंट अराउंड 1000 से लेके 5000 तक जाता है। और इधर फ्यूल कंपेरेटिवली चीपर है, तो आपको इधर फ्यूल का एक्सपेंस अराउंड 800 बाट से लेके 1000 बाट तक लग सकता है। अगला जो एक्सपेंस आता है वो है इंटरनेट एक्सपेंस। तो इधर काफ़ी सारी जगहों पे रूम रेंट के अंदर ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जो कि शेयर इंटरनेट सर्विस रहती है, जिसमें कंपेरेटिवली कम स्पीड आती है। तो इधर आप अपना पर्सनल इंटरनेट कनेक्शन लगवा सकते हो। इधर काफ़ी सारे इंटरनेट प्रोवाइडर है, जैसे कि ट्रू है, AIS है। तो जो मेरा जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ट्रू का वाईफाई है, जो अराउंड मेरे को कॉस्ट पड़ता है उसका 500 से लेके 600 बाट
पर मंथ, जिसका स्पीड आता है अराउंड 200 Mbps। तो अगला जो एक्सपेंस है वो है एंटरटेनमेंट। अगर आप बैंकॉक में मूव होते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग वीकेंड्स पे भी काम करोगे। वीकेंड पे आपकी इच्छा होगी कि फ्रेंड लोग के साथ पार्टी करें, हैंग आउट करें, कहीं पे मूवी देखने जाए, कि बैंकॉक की नाइट लाइफ इंजॉय करें। तो इसका जो एक्सपेंस है वो वीकली में मान के चलता हूँ 1000 से लेके 1500 तक आएगा। अगेन वो डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल और आपके शौक पे, कि आप कैसी लाइफस्टाइल जीते हो और आपके कौन कौन से शौक हैं। समझ रहे हो आप? तो अगर एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस लेके चले हम लोग तो वो आपको मंथली अराउंड 4000 से लेके 6000 बाट तक लग सकता है। और नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो एक्सपेंस आता है वो है मिसेलेनियस एक्सपेंस। तो मिसेलेनियस एक्सपेंस पे आप काउंट कर सकते हो टॉयलेटरीज, कपड़े हैं, शूज है, मेकअप का सामान है, वो सब चीज़ें आप काउंट कर सकते हो। तो लेट्स से उसका आपको अराउंड अप्रोक्सीमेटली आपको 1000 से लेके 1500 बाट तक मंथली लग सकता है। तो फाइनली आप ये जो सारे एक्सपेंस का कैलकुलेशन करोगे तो आपको मंथली बैंकॉक में कॉस्ट पड़ेगा 20000 से लेके 25000 बाट तक। अगेन कम्प्लीटली वो डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर। काफ़ी लोग जो रहते हैं वो लोग पैसा बचाने में बिलीव करते हैं, काफ़ी लोग जो रहते हैं वो अच्छी लाइफ जीने में बिलीव करते हैं। कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मंथली कितना एक्सपेंस करना है और किन किन चीज़ों पे करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सभी एक्सपेंसेस कवर कर लिए। अगर आपको लगता है कि कोई एक्सपेंसेस रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के लिख सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं अगेन जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में।